प्यारे मित्रों, देशवासियों, आपको सब सब नमन। आज का चर्चा का विषय है जस्टिस, न्याय की कीमत क्या है, न्याय कब मिलता है और इसका क्या शेड्यूल होता है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने जो इसके अंदर कुछ नोटिंग्स बनाई है लगभग 20 पॉइंट की, और वो आपको बताना चाहेंगे और आपके साथ चर्चा भी करेंगे। कोई भी जब न्याय मिलता है उसका कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता। एक सेम सेक्शन 300 सेक्शन का 354 का मान लो केस है, अगर वही केस अगर डिसाइड हो जाता है किसी कोर्ट के अंदर 4 साल 5 साल के अंदर, और वही केस 15 साल 20 साल 25 साल भी चल जाता है इस देश के अंदर। इसलिए कोई सर्टेनिटी नहीं है। हर कोर्ट, हर एमएम, हर सेशन कोर्ट का एक अलग हिसाब किताब होता है और अलग सोच होती है, जबकि कानून सेम है, जजमेंटें सेम है, फैक्ट्स लगभग सब बराबर से ही होते हैं, लेकिन क्या है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा जस्टिस कब डिलीवर होगा। दूसरी बात, हमने इसके ऊपर रिसर्च करी कि किसी भी जस्टिस की कॉस्ट क्या होती है, सरकार की नज़र में, बार की नज़र में, डीएलएससी की नज़र में। डीएलएससी तो कहता है कि हम फ्री में जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं इस देश की आम जनता को, जो अभी आंकड़े हैं कि 80 करोड़ जनता तो 5 किलो राशन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, और इस देश की 100 करोड़ से ज़्यादा ऐसी जनता है जो इलिटरेट है, और 143 करोड़ में से 125 करोड़ ऐसी जनता है जो इंग्लिश की लैंग्वेज इनको प्रॉपर नहीं जानती, और ज़्यादातर जुडिशरी का काम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, हिंदी के अंदर बातचीत होती है कोर्टों के अंदर, या रीजनल लैंग्वेज, तीन चीज़ें चलती हैं। तो बताना चाहता हूँ कि ये जो डीएलएससी से फ्री बताया जाता है, और कोई लिटिगेंट अगर कोर्ट में अप्रोच करता है तो 2 रुपये की टिकट लगा के कोई क्रिमिनल रेट फाइल कर सकता है, और 15 रुपये की रेट लगा के कोई रिविजन फाइल कर सकता है, और अगर वो सिविल केस है तो उसके अंदर परसेंटेज का हिसाब होता है, लगभग 1.25% के लगभग एक परसेंटेज होता है अमाउंट के हिसाब से जितने का आपका क्लेम है या जितने का आप सूट डालना चाहते हो। तो ये एक बात है, और अगर उसी के ऊपर अगर कोई अधिवक्ता, तो उसको 27 रुपये की वेलफेयर लगाना पड़ता है, 2 रुपये की कोर्ट फीस और 25 रुपये का अपना एडवोकेट के लिए वेलफेयर, जो एडवोकेट की वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है उनकी टिकट लगानी पड़ती है। तो ये बात है, लेकिन यहाँ पे लकुना क्या है कि जो आप लिटिगेशन एप्लीकेशन टाइप करवा रहे हो, ड्राफ्टिंग, उसकी कॉस्ट कोई सर्टेनिटी नहीं है। कुछ लोग टाइपिस्ट से 1400-1600 रुपये देते हैं, कुछ लोग 30 रुपये देते हैं, और कुछ लोग इसी चीज़ के हजारों लाखों रुपये का रेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर आप जाओगे तो 2 पेज की ड्राफ्टिंग है, कोई 2 लाख ले लेगा, कोई 5 लाख ले लेगा, कोई 20,000 ले लेगा, कोई 5,000 लेगा, लोअर कोर्ट में वही काम 2,000 में हो जाएगा। तो कोई भी ड्राफ्टिंग कॉस्ट नहीं है, ये सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, और ये ऐसा होना चाहिए। इसके बाद चीज आती है कि जजमेंट्स जो होती हैं उसकी कोई कॉस्ट का सिस्टम नहीं है, कि अगर कोई जजमेंट किसी को चाहिए तो उसके लोग कितने ऑनलाइन पैकेज देने पड़ेंगे, किससे वो लेगा, किससे सलाह करेगा, एक आम अधिवक्ता, एक नया इंटर्न, एक लिटिगेंट कैसे के उसके अंदर उस जजमेंट्स को लेगा, क्योंकि इस देश के अंदर कानून 2 तरीके से बनते हैं, हमने पहले ही बताया, एक तो लीगल असेंबली के अंदर जो बनता है, और दूसरा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डेली जजमेंट्स ऑर्डर जो पास होते हैं वो अपने आप में एक जजमेंट बन जाता है, एक कानून बन जाता है, जिसको लेके बहुत बार अभी भी सवाल उठते रहे हैं। अभी एक फिल्म भी आई है ब्लैक जस्टिस वगैरह में, और जो ले लगा उस टाइम इसके कई सवाल उठे हैं। और फिर आता है कि कोई भी जस्टिस पूरी तरीके से डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा देखने में क्या होता है कि अगर जो हाई प्रोफाइल अगर आदमी एक्यूज होता है, या कोई पुलिस ऑफिशियल इंक्लूड है, या कोई और IAS IPS इंक्लूड होता है, तो वो उस मैटर को डिले करने की कोशिश करता है, और इसके बीच के अंदर ही जितने विटनेस होते हैं उनको हॉस्टाइल कर देता है, जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मैनुअल एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। IO रिटायर हो जाते हैं और ऐसे अनएक्सपीरियंस IO को लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो लोअर रैंक के IO को लगा देते हैं, अगर मान लो किसी DCP की इंक्वायरी हो रही है, किसी ACP की इंक्वायरी हो, ASI को मार्क कर दिया केस, जबकि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है पुलिस का मैनुअल है वो ये कहता है कि एक रैंक ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई कानून ही नहीं मानता इस देश के अंदर। फिर क्वालिटी ऑफ जजमेंट की, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो चलती है, जो लीगल प्रोसीडिंग चलती है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितना मतलब उसके अंदर जो इफेक्टिव ऑर्डर पास हो रहे हैं तथ्यों के आधार के ऊपर, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन रहता है, सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। फिर देखने में आया है कि एक डिले का कारण मुख्य ये भी होता है कि ट्रांसफ़र जो होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर के ट्रांसफ़र, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ट्रांसफ़र, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ट्रांसफ़र, प्राइवेट एडवोकेट चेंज कर देते हैं लोग, कोर्ट स्टाफ के ट्रांसफ़र, ये एक और समस्या बड़ी गहन है, जिससे कि पेंडेंसी बढ़ती है, जो 20-25 साल 30 साल केस खींचते हैं उसका एक मुख्य कारण ये भी है। फिर क्या होता है कि कोर्ट के अंदर पुलिस वाले ज़्यादा टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं,
अपने आप को प्रिवेंट कराने के लिए या कुछ लोग कनिंग टैक्टिक्स का यूज करते हैं, कुछ और बहुत चालाक लोग होते हैं कोर्ट स्टाफ को मैनिपुलेट करके पर्चा यादाश्त से उनको इशू किया जाता है, कोर्ट से फाइल अनट्रेसेबल हो जाती है। अगर कोई हियरिंग होनी है उसने फाइल कहीं और रख दी तो इस बात के लिए साल छह महीने निकल जाते हैं बड़े इजीली, छह महीने की तो कोर्ट डेट लगाती है और उसके बाद साल भर दो साल वो ऐसे निकाल देते हैं, फाइल ट्रेसेबल नहीं होती या वो कंप्लीट इन मैनर में होती, उसमें कोई डॉक्यूमेंट कम हो जाता है, प्रॉपर नंबरिंग नहीं होती, ऊपर का पेज नीचे, नीचे का पेज ऊपर, बीच का पेज, कोर्ट कोई पनिश नहीं करता इसके लिए, और ये एक भी मुख्य कारण है कट उसके अंदर डिले होने का। फिर आता है कि ऑर्डर अपलोड ना होना, ये प्रोसेस होता है कि कोई भी कोर्ट का अगर ऑर्डर होगा तो उस कोर्ट का कंसर्न स्टेनो जज के साइन हो जाने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा और उसको कोर्ट की वेबसाइट के लिए सर्वर ब्रांच को लॉन्च कर देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करते रूटीन कोर्स में। इससे बहुत बड़ी कई बार जुडिशरी में करप्शन के भी आरोप लगते रहे हैं कि इन ऑर्डर को लेने लेकर निकल रही है और इसकी वजह से जुडिशियल प्रोसीडिंग इफेक्टिव होती है सेकंड ऑर्डरों के लिए, लेकिन इतने सदियों से कई जजमेंट इसके ऊपर पास हो चुकी, कई डायरेक्शन कई कोर्ट सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के आ चुकी, लेकिन कोई मानता नहीं है, ये आज तक एक समस्या बनी हुई है। फिर एक चीज़ आती है कि इसके अंदर एक समस्या होता है कि सर्टिफाइड कॉपियाँ टाइम पर नहीं मिलती, साल साल डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल लग जाते हैं, हाई कोर्ट तक कई एनजीओ पहुंच गई हैं लेकिन आज तक भी वो सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। फिर एक चीज़ होती है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी होती है कि लैंग्वेज कैसे अब इंग्लिश के अंदर ड्राफ्टिंग हो रही है, अब आदमी सामने वाला इंग्लिश जानता ही नहीं है, वो हिंदी में किस लिए कोर्ट के अंदर सारी बात होती है, अगर आप किसी भी कोर्ट में जाके मैम की कोर्ट में देखो 95% कन्वर्सेशन हिंदी में चलता है और ड्राफ्टिंग लिखित पढ़त जो होती है वो इंग्लिश में चलती है, खासतौर दिल्ली की कोर्टों के अंदर और कुछ स्टेट्स के अंदर रीजनल लैंग्वेज भी होते हैं। तो ये एक भी अपने आप में बड़ा समस्या है कि लैंग्वेज जो है ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है और कहीं ना कोई कमियां रह जाती हैं। और फिर स्टेनो द्वारा कोई क्लैरिकल एरर्स हो जाते हैं ऑर्डर के अंदर तो फिर उसको रेक्टिवेशन की फाइल करो, या तो इसलिए लोग फाइल ही नहीं करते और वो एक अपने आप के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कुछ गलतियां स्टेनो की तरफ से रह जाती हैं, तो वो भी एक समस्या आती है। इजिली हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाती, आजकल बहुत सारे एमएमएस वगैरह का क्या होता है सेशन कोर्ट्स का कि वो पूरा प्रॉपर जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते, पूरे प्रॉपर फैक्ट पर नहीं आते, उससे मिलती जुलती किसी जजमेंट का ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देके केस को डिसमिस करते हैं, जो ऑर्डर पास अपना ऑब्जर्वेशन लेना होता दे देते हैं, जबकि सारे लोगों को उसका मौका नहीं मिलता कि उस जजमेंट के बारे में सुनने समझने का, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। दूसरा होता है अनुभव की कमी, अभी कोई एडवोकेट्स है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जुडिशियल ऑफिसर खासतौर से एमएम जो होते हैं, इनके पास एक अनुभव की कमी होती है, कोर्ट स्टाफ होते हैं अनुभव की कमी होती है, जिस अनुभव की कमी होने की वजह से उसका सीधा सीधा प्रभाव जुडिशरी के ऊपर पड़ता है और जो जुडिशरी होता है जो ऑर्डर होता है ये एक तरीके से किसी की जिंदगी खराब कर सकता है, अगर उस ऑर्डर में कोई कमी रह जाती है या कोई गलत फैसला हो जाता है या थोड़ा तो बहुत बड़ी दिक्कत एक उस आदमी की जिंदगी में आ जाती है, ये होता है। फिर जुडिशियल ऑफिसर का मूड, किसी वजह से कोर्ट में उसको गुस्सा आ गया, एक्साइटेड में जल्दी हो गया, मूड खराब हो गया, या गर्मियों की कोई पारिवारिक प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई इसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है। तो ये भी बहुत इनको जब ये जज बनते हैं एमएम बनते हैं तो इनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ा पेशेंस रखना होता है आईएएस आईपीएस को भी, लेकिन ये पेशेंस नोटिस बहुत जगह लूज हो जाता है और उसकी कीमत डायरेक्ट उस आदमी को केस से जुड़े हुए लोगों को भुगतनी पड़ती है। फिर आता है कि एफएसएल की लैब्स की बहुत कमी है, जिसको अभी केंद्र सरकार ने काफ़ी प्रयास भी करे हैं लेकिन अभी तक तो कमी है, सालों साल खिंच जाते हैं, लैब के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जाता है एफएसएल के लिए और उससे उसकी क्रेडिबिलिटी फर्क पड़ता है, फिर लिटिगेंट दोबारा कोर्ट में आके बोलेगा जी इस लैब की नहीं है, दूसरी लैब से कराओ, इस लैब से कराओ, तो ये भी एक जुडिशियल ऑफिसिंग अफेक्टेड भी करता है और डिले भी करता है। तो ये जस्टिस डिले जस्टिस नाइट जो एग्जाम्पल बना है इससे साफ साफ नजर कि जो 20-25-30 साल केस खुलते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं, सरकार चिंतित है, उसका एक कारण ये भी है। फिर कोई ऐसा डेस्क बाहर की तरफ से नहीं होता कि बाहर अपने ही एडवोकेट्स को इंटर्न्स को यंगर एडवोकेट्स को काउंसलिंग का कोई काउंटर नहीं खोलते कि जो से 5 एडवोकेट 10 एडवोकेट बैठ सकें, ना डीएलएस से कोशिश करती, ना भारत सरकार कोशिश करती, ना राज्य सरकार कोशिश करती कि जहाँ पे कोई नए एडवोकेट्स हैं उनकी एक बड़ी संख्या होती है, इंटर्न्स होते हैं उनकी एक बड़ी संख्या होती है, अब उनको कोई जजमेंट के बारे में कोई काउंसलिंग करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रोसीडिंग पूछनी है, जिस एडवोकेट ने नए एडवोकेट ने 5-4 साल लग जाते हैं ट्रायल फेस ना किया हो, वो खाली 156 दिन पे 200 पे हो मिसलेनियस मैटर पर, तो जब वो ट्रायल की स्टेज पे आता तो उसको बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं होता, तो ये अनुभव उसको नहीं मिल पाता, ना बाहर की तरफ से मिलता, ना डीएलएस की तरफ से मिलता, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ना भारत सरकार, ना राज्य सरकार, कोई भी इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता, ना लिटिगेंट्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ फिल्में भी बनी हैं, आपने देखा ही है जोली अलवी वगैरह बड़ी फेमस फिल्में आई हैं, दामिनी के अंदर एक डायलॉग था डेट 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 का, ऐसे कुछ मुहावरे भी बने हैं, अभी रिसेंटली ब्लैक जस्टिस की एक वेब सीरीज आई है, एक ट्रायल फिल्म की वेब सीरीज आई है,
और ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को उजागर समय समय पे लोग बहुत सारे करते भी हैं। एक हाईकोर्ट के अंदर जजमेंट थी कि जिसमें बताया गया था कि 500 से 700 केस एक एमएम कोर्ट मैक्सिमम देख सकती है। फिर एक 2013-14 की एक जजमेंट है 893 बटा कुछ उसका है टाइटल, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर ये हुआ कि 1000 से 1200 केस एक एमएम कोर्ट डील कर सकती है। लेकिन आया अभी नोनी न्यायालय में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि 3500 से 4000 एक कोर्ट में केस हैं, और बहुत बार एमएम जो है उसको अपनी ऑर्डरशीट के अंदर मेंशन करते हैं। ये समझ में नहीं आता इस मेंशन करने के पीछे रीजन क्या होता है, क्या वो अपने ही डिपार्टमेंट को, जुडिशरी के, अपनी लॉ मिनिस्ट्री को, अपने डीजे को ये बताना चाहते हैं कि मेरी कोर्ट के अंदर वर्कलोड है इसलिए मैं लंबी डेट इसलिए दे रहा हूँ, ये मेरा केस का जो वर्किंग है इससे डिले हो रहा है, कि उसका कारण क्या है कि सरकार हमें फंड नहीं दे रही और 3500 केस मेरे केस में रिहा रोनी 1 नंबर कोर्ट में 6500 से केस लंबित और 156 दिन के लिए 113 नंबर कोर्ट बनी हुई है, थाने के अंदर 4 से 5 थाने। तो शॉर्टेज ऑफ जुडिशियल स्टाफ, मतलब बजट सरकार कम देती है जिसकी वजह से ये हमेशा एमएम कोर्ट्स वगैरह जूझती रहती हैं, और इसका सफ़र सीधा जुडिशरी भी पड़ता है, न्याय भी पड़ता है, न्याय को मिलने में देरी होती है, क्वालिटी जो न्याय होता है वो नहीं मिल पाता, पूरा इंसाफ नहीं मिल पाता। कंक्लूजन बता रहा हूँ तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये सब वो करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा भी मैं समझता हूँ कि वो रहेगा। दूसरा क्या होता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी में कमी है, जुडिशियल ऑफिसर जो प्रतिदिन के जो ऑर्डर पास करते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, कि उसकी कोर्ट के अंदर जो वो ऑर्डर उसने गलत पास करा सही पास करा इसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, लंबा प्रोसेस है कि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर करो या रिवीजन के अंदर सेशन कोर्ट में जाओ, वहाँ भी साल हजारों टाइम लगा रहते हैं, कई कई साल लगा रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। तो यही सेम चीज़ अकाउंटेबिलिटी उस पर होती है आईओ के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसको एक डीसीपी है उसका लीगल सेल देखता है, लेकिन वो इस अकाउंटेबिलिटी में स्लो रहते हैं, करते ही नहीं है। उनके पास एक बहाना फिर ये होता है कि हमारे पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस हमें फंड नहीं देता, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत परेशानी होती है, बहुत सारे पैसे वो काट देते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो ये जस्टिस यूनाइट का 17 साल 18 साल 20 साल जिंदे आदमियों का इंसाफ नहीं मिल रहा था, कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों तीन तीन पीढ़ियाँ इस काम में निकल जाती हैं, तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। और मैं ही चाहूँगा कि जितनी भी समस्त बाहर हैं वो भी डीएलएससी के जितने ऑफिसेज हैं वो इस चीज़ के ऊपर चर्चा करें, जितने डीजे ऑफिस हैं कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट होने डिस्ट्रिक्ट में चाहूँगा कि इसकी पहल होनी चाहिए। अगर आज कोई एक डिस्ट्रिक्ट शुरू करते उसका एग्जाम्पल पूरे भारत के लिए सेटअप बनेगा और एक न्याय की अलग धारा प्रवाह होगी, लोगों में एक अलग सी क्रांति और जागरूकता न्याय को लेकर आएगी, जहाँ आज करोड़ों आदमी इंसाफ की बात को लेकर निराश है। तो यही आज सबका हमारा सहारा है। आज का दिन है 19/8/23 और एक बहुत आज हमने समस्याओं का सामना किया, जिसके अंदर पुलिस ने एक दिन पहले बता दिया कि वो कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे और वो अगले दिन नहीं आते हैं। डीएलएससी का एडवोकेट छुट्टी कर जाता है और पुलिस छुट्टी कर जाती है, 6-6 साल 7-7 साल केसों को अभी हो गए हैं जिसमें 207 CRPC का कंप्लाइंस नहीं हुआ, फर्स्ट विटनेस कंप्लेंट का बयान चालू नहीं हुए और कोर्ट 3-3, 4-4 महीने की डेट लगा रहा है। इसको उन्होंने एक पुलिस वालों ने टूल बना लिया है, इस टूल का बना लिया, एग्जेम्पशन भेज देते हैं और उस एग्जेम्पशन के आड़ के अंदर ये किसी भी केस को 20-20 साल तक खींच देते हैं। अगर एक केस में मान लो 20-25 विटनेस 40 विटनेस 50 विटनेस है, अगर कोर्ट 3-3, 4-4 महीने लगा रही है एक विटनेस का चीफ का बयान कराने के लिए, क्रॉस के लिए अगर 6-6 महीने 8-8 महीने 10-10 महीने में कराएगी, तो आप समझ सकते हो कि एमएम कोर्ट 20 साल तक केस को खींच देती है और बहुत बहुत सारे फाइलें गायब हो जाती है, डॉक्यूमेंट गायब होते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि कोई भी केस अगर 1 साल से ज़्यादा अगर चल रहा है, जुडिशियल चार्टर की बात एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जस्ट एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी फाटे रहे, मैं चाहता हूँ कि आम जनता भी इस बात को समझे, जुडिशियल ऑफिसर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, स्थिति को देखे, जो एप्लीकेंट उस केस से जुड़े हुए हैं, जो कंप्लेनेंट जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति को देखे, कि अगर उसकी उम्र 40 साल 50 साल है, बीमारी से घिरा हुआ है, आजकल लोग कोरोना के बाद यंग डेथ की रेशियो इतनी बढ़ गई है, 45-50 साल 40 साल के बीच में लोग 35 से 50 साल के लोग तेजी से मर रहे हैं, तो न्याय की आज की बात सिर्फ एक कल्पना रह गई है। ऐसा न्याय जिसका लागत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक है, कि कोई फिक्स वो नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग की, ऐसा न्याय जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कब मिलेगा, ऐसा न्याय जिसकी कोई समय सीमा लिमिट है ही नहीं, तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। बार बार हम कहते आ रहे हैं और बार बार ये सवाल उठते आ रहे हैं, करोड़ों लोग आज इस न्याय के प्रकरण के जोर से निकल रहे हैं, निराश हैं, और जो मुट्ठी भर पुलिस वाले हैं उन्होंने इसको टूल बना लिया है, जो हाई एक्सपेंसिव कुछ लॉ एजेंसी है उन्होंने भी इसको टूल बना लिया है, तो ये रुकना चाहिए। इससे सदन जय हिंद जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।